जियो ने पहले आकर एयरटेल और कई ऐसे कौन सी भी कंपनी बंद हुई थी, वोडाफोन चाहिए थे, वोडाफोन का धंधा बंद कर दिया। अब जियो आया है इन द ई कॉमर्स सेगमेंट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह के धंधा बंद करने के लिए। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे करेगा, क्या है जियो मार्ट और ये कब रिलीज होता है। एक्चुअली जो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत दिन पहले रिलीज हो गया था, मैं कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि यू सी मेरी वीडियोस थोड़ी शेड्यूल रहती हैं और उस कारणवश मेरे को कहीं टाइम नहीं मिला। तो फिर इस हफ्ते 3 वीडियोस मिलने वाले हैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर। बिना टाइम का लेट्स टॉक अबाउट द जियो मार्ट। तो फिर December 31 को बाय द ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना नाम इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। यह गाइस मेरा नाम है ऋषभ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हर हफ्ते एटलीस्ट 2 बार आपके लिए कोशिश करता हूँ अच्छे से टेक वीडियोज लेकर आता रहूँ। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बाय द वे फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, माई मीम पेज, माई व्लॉग चैनल, बहुत सारे अलग अलग जगह पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ। तो फिर सारे कंटेंट जहाँ पर भी मैं बनाता हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और जितना भी कंटेंट बनाता है मेरे 5 सर्कल J7 से बनता है। तो फिर एक बार जाके चेकआउट करियो, पसंद आए तो सब्सक्राइब फॉलो वगैरह भी कर लेना वहाँ पे। विदाउट सर सीधा वीडियो को टॉपिक करने चलते हैं। तो फिर December 31, 2019 को एक जियो ने अपने खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म निकाला था जिसका नाम था जियो मार्ट। अब इस चीज़ की जो खासियत है वो होगा कि एक तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन सेगमेंट है, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन होता है मतलब जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट अमेजोन जिसके अंदर आप सिर्फ ऑर्डर करते हो और वो आपके घर पे आता है। कई लोगों को इस चीज़ के ना डाउट रहता है कि हमने जो मंगवाया इसके लिए ईंट पत्थर ना आ जाए, इसलिए ये वाला सेगमेंट बनाया गया है जिसको कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर क्या होता है, आपको दाम मिलते हैं ऑनलाइन वाले और आप चीज़ें ऑनलाइन बुक करके रख सकते हो एट योर नियर बाय सम स्टोर। और इसके अंदर क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो आपको वहीं सेम ऑनलाइन वाले प्राइस प्रोवाइड कर पाता है एट दी ऑफलाइन थिंग, क्योंकि पहले बताने शिपिंग के चार्जेस वगैरह नहीं भरने पड़ते। दूसरी बात, अगर दुकानदारों को ऐसे बल्क के अंदर सामान बेचने को मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो प्राइस नीचे कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक जो लोग ऑनलाइन खरीदने में कतराते थे उन लोगों को ऑनलाइन वाला प्राइस मिलेगा और वो खुद दुकान से जाकर सामान पिक कर पाएंगे, इससे उन्हें ये चीज़ का अश्योरिटी रहेगी कि वो जो मंगवा रहे हैं वही उन्हें मिल रहा है। और अगली जो बात है वो अभी ये जो चीज़ लॉन्च हुई है अभी सिर्फ और सिर्फ मुंबई के अंदर है और करंटली सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरीज के ऊपर कम्प्लीटली ऐसे फोकस्ड वगैरह है। लाइक अमेजोन पेंट्री का काइंड ऑफ से डायरेक्ट कंपिटिटर है ये एज ऑफ नाउ इन मुंबई। अभी इसके अंदर अराउंड 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, 50,000 प्रोडक्ट्स हैं और सून एक्सपेंड करेंगे इंटू मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स और ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो फिर एक छोटी सी वीडियो अबाउट जियो मार्ट जो कि बेसिकली अलीबाबा का एक नया फॉर्म है, इंडियन अलीबाबा कह सकते हैं। अब अंबानी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया। सी जब भी अमेजोन वगैरह की जो सेल होती है जो कि 3-4 महीने चलती दिवाली के समय, तो क्या हुआ था, एक बार पिछले साल की बात है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने कंबाइंड करके जितना रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट कमाया था उतना अलीबाबा डॉट कॉम एक है चाइनीज़ रिटेलर जो कि इसी सेम क्या कहते हैं चीज़ को चीज़ थ्योरी थ्योरी काइंड ऑफ सेल के ऊपर बेस्ड है, तो उसने उतना प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक दिन की सेल के ना कमाया था। तो फिर यही कारण है कि अंबानी ने क्यों जियो मार्ट को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव ना रखे, ऑनलाइन ऑफलाइन रखे। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ नया जानने को मिला। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई अदर प्लेटफॉर्म्स सच एज़ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, माई मीम पेज एंड माई ब्लॉग चैनल। विद दैट बीइंग सेड, इट्स मी ऋषभ एंड आई